बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आवर नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन इज ऑन द रोल ऑफ आईएमएफ, एंड दिस इज़ इन कंटिन्यूटी विद द मॉनेटरी पॉलिसी इन ओपन इकानी अब सवाल ये है कि आईएमएफ का आपकी इकानोमी में क्या रोल हो सकता है इनिशियली आईएमएफ वाज क्रिएटेड अंडर ब्रिटेन वोट सिस्टम जो ब्रिटेन वोट सिस्टम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनाया गया था उसके तहत जो है वो आईएमएफ को बनाया गया आईएमएफ का इनिशियली क्या रोल था कि जब कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में आए या उस प्रॉब्लम में आए तो आईएमएफ का काम था उसको रेस्क्यू करना उसको लोन देना लेकिन ये याद रखना कि आईएमएफ के लोन से मुराद ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना इट्स नॉट फॉर डेवलपमेंट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इसका ओरिजिनल रोल था लोन देना इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन वुड सिस्टम में चूंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था यानी कि करंसीज की डॉलर के साथ जो रेट था वो फिक्स था तो जो कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में आती थी तो चूंकि उसकी करंसी के ऊपर वीक होने के यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट खत्म होने का प्रेशर होता था तो आईएमएफ उस कंट्री को लोन देता था उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होता था और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मेंटेन किया जा सकता था ये ओरिजिनली इसका रोल लेकिन 1973 में ब्रिटेन वोट सिस्टम क्लैप्स कर गया यानी कि फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ही क्लैप्स कर गया तो सवाल यह है, फिर आईएमएफ का क्या रोल रह गया तो याद रखें आईएमएफ का एक और रोल के अपने मेंबर कंट्रीज को पॉलिसी गाइडलाइन देना और पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर का और इकोनॉमिक सेक्टर का डेटा कलेक्ट करना और उसको पब्लिश करना यह भी एक आई का रोल था वो आईएमएफ का रोल कंटिन्यू रहा इवन आफ्टर 1973 और रिसेंटली आईएमएफ का रोल एक और तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट हो और वो ये कि पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे कंट्रीज डेट क्राइसिस में चले गए तो जब कंट्रीज डेट क्राइसिस में गए या जब फाइनेंशियल सेक्टर के जो क्राइसिस है वो किसी इकॉनमी में आया तो आईएमएफ ने वहां पे उस इकॉनमी को रेस्क्यू किया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के बाद अब डेट क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस को रेस्क्यू करने के लिए भी आईएमएफ का रोल इंपॉर्टेंट हो गया आज के मॉडर्न वर्ल्ड 1973 के बाद अब सवाल यह है कि शुड आईएमएफ एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट याद रखें डेट क्राइसिस हो या 1973 से पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम के लिए आज भी आईएमएफ जो है वो लोन देता है लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव एक्स फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम मेंटेन करना नहीं होता बल्कि करेंसी के ऊपर जो स्पेकुलेटिव अटैक्स हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से इकानमिक क्राइसिस में जा रही होती है उसको सपोर्ट करना उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट करना ये आई का रोल है लेकिन अल्टीमेटली आई एम अब खुद फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट के फेवर में है और इवन गवर्नमेंट के ऊपर जो कंडीशनैलिटीज इंपोज करता है उसमें एक ये भी होता है कि जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो मार्केट फोर्सेस पे गवर्नमेंट को छोड़ना होता तो इसका मतलब यह है कि डेट क्राइसिस के लिए या बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के लिए या फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए अगर आई जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है इकोनॉमीज के लिए गवर्नमेंट्स के लिए या सेंट्रल बैंक्स के लिए कह लें तो क्या ये रोल आईएमएफ का अच्छा रोल है तो इसमें पहला प्रॉब्लम ये आता है कि इससे मॉरल हैजर्ड क्रिएट होगा मॉरल हैजर्ड आपने हमारे इस कोर्स के अंदर कई दफा डिस्कस हमने कर लिया तो आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि मॉरल का प्रॉब्लम क्या होता है तो यहां आईएमएफ के केस में भी एक मॉरल का प्रॉब्लम होगा और स्पेशली गवर्नमेंट्स के लिए कि गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी पॉलिसी प्रॉपर ना भी बनाए और वो क्राइसिस की तरफ चली जाए तो चूंकि आई एम एफ है रेस्क्यू करने के लिए तो गवर्नमेंट्स जो है वो बदर नहीं करती कि अच्छी पॉलिसी बनाएं और उस क्राइसिस के पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं कि आपको आई एम एफ की जरूरत पड़े ये मॉरल का प्रॉब्लम है यानी कि आईएमएफ की सपोर्ट होने की वजह से गवर्नमेंट्स खुद केयरलेस हो जाती है लेकिन साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर की भी अपनी रिस्की लैंडिंग होती है तो डिपॉजिटर्स भी रिस्क लेते हैं और बैंक्स भी लैंडिंग में रिस्क लेते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो अगर डिपॉजिटर्स और बैंक के जेन में यह होगा कि अगर हम प्रॉब्लम में फंस गए तो आई एम एफ इज देयर टू रेस्क्यू एस तो वो भी मॉरल एज का प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो फिर केयर नहीं करेंगे रिस्की लैंडिंग के अंदर और रिस्की डिपोजिट के अंदर कि जब प्रॉब्लम होगा तो आई एम एफ आ जाएगा और हमारा यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो इस सेंस में तो फिर आई एम एफ को लेंडर ऑफ लास्ट रिजल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे गवर्नमेंट बैंक और डिपॉजिटर्स ये सब केयरलेस हो जाते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर अपने डिसीजंस के अंदर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएमएफ क्या करता है कि मेक श्योर sure करने के लिए कि ये प्रॉब्लम ना आए कौन सा मॉरल का तो आईएमएफ जो है वो अपनी कंडीशनैलिटीज इंपोज करता है जब भी वो किसी कंट्री को रेस्क्यू करता है किसी इकोनॉमी को क्राइसिस से रेस्क्यू करता है तो साथ अपनी कंडीशनैलिटीज इंपोज कर देता है अब किस किस्म की कंडीशनैलिटीज वो इंपोज करता है मसलन वो उस गवर्नमेंट को लोन दे जो कि अपना फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करे यानी कि वो जो गवर्नमेंट की केयरलेसनेस है जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है तो आईएमएफ अपनी कंडीशनैलिटीज में रख लेता है कि भाई हम लोन दे रहे हैं लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको फिजिकल डेफिसिट कम करना होगा यानी कि फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा इसी तरीके से एक और हो सकता है कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज में यह भी होता है समटाइम्स कि वो ऐसी गवर्नमेंट्स को लोन देता है और रेस्क्यू करता है क्राइसिस में जो गवर्नमेंट्स एक्सेसिव रिस्क की लैंडिंग जो होती है उसको खत्म करने को उसको कर्ब करने की पॉलिसी बनाती है तो इसका मतलब है इससे भी मॉरल का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अब आईएमएफ के ऊपर क्रिटिसिजम भी हो सकता है कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज या उनकी पॉलिसीज के साथ के ऊपर या उसकी रेस्क्यू स्ट्रैटेजी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो सकता है तो क्या क्रिटिसिज्म है आईएमएफ के ऊपर पहली बात यह है कि मॉरल का जो प्रॉब्लम है आईएमएफ की पॉलिसीज की वजह से आईएमएफ के होने की वजह से आई आईएमएफ रेस्क्यू करता है इसलिए मॉरल हैजर्ड का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो आईएमएफ जो है वो अपनी पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली मॉरल हैजर्ड को रोकने का कोई प्लान नहीं देता यह क्रिटिसिज्म हो सकता है दूसरा हमने कहा कि आईएमएफ इनडायरेक्टली इसको इंश्योर कर सकता है कि फिजिकल डिसिप्लिन कंट्रीज या गवर्नमेंट्स मेंटेन करें यानी कि फिजिकल डेफिसिट कम करें अब फिजिकल डेफिसिट को कट करना फिजिकल कंसोलिडेशन की पॉलिसी या इसको ऑस्टेरिटी मैयर कहा जाते हैं बचत के प्रोग्राम गवर्नमेंट के लेवल पे तो गवर्नमेंट अगर वाकई में फिजकल डेफिसिट कम करना चाहे या ऑस्टेरिटी मैयर लेगी तो वो मैयर होंगे क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम की जाएगी टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे और आपको पता है इन सारे के सारे मेजर्स का इकोनॉमी के ऊपर एक बैड इंपैक्ट क्या होता है कि ये इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आईएमएफ एम एक्सप्लिसिटली मॉरल के सलूशन का कोई प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं देता और जो इनडायरेक्टली उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है ऑस्टेरिटी के थ्रू उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो आईएमएफ प्रोग्राम के साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है यह क्रिटिसिज्म हो सकता है आईएमएफ के ऊपर थैंक यू